हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मूडी सैम और आज की हमारी बुक होने वाली है द गर्ल इन रूम 105। ये बुक मैंने फ़ोन पे पढ़ी थी और आपको अगर बुक्स फ़ोन पे कैसे पढ़ी जाए या कैसे बुक्स अवेलेबल हो जाएगी फ़ोन पे फ्री में, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बुक समरीज और बुक रिव्यू की वीडियोज़ बनाती हूँ सो डू सब्सक्राइब। Let's start the video. Girl in the room 105। ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें मेन कैरेक्टर है केशव और जारा, इनकी लव स्टोरी, और बाद में जारा का मर्डर हो जाता है। सो केशव एंड उसका बेस्ट फ्रेंड सौरव, ये दोनों मिलके वो मर्डर मिस्ट्री कैसे सॉल्व करते हैं ये इस बुक में बताया गया है। एज अ चेतन भगत की ये पहली अलग बुक है बिकॉज वो हमेशा रोमांटिक नॉवेल्स लिखते थे। ये एक उन्होंने भी अलग चांस दिया है खुद को। मैं स्टोरी लाइन बता देती हूँ। केशव राजपुरोहित RRS के बड़े नेता का बेटा होता है और जारा कश्मीरी मुस्लिम। सो वो कॉलेज में रहते हैं तब वो रिलेशनशिप में होते हैं। वो बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद आगे बढ़ के उनके घर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो उनका नहीं हो पाता सो वो अलग हो जाते हैं। पर अलग होने के बाद जारा उसी कॉलेज में जो रघु मल्टी मिलेनियर अभी होता है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। और केशव जारा से प्यार करना छोड़ नहीं सकता था, वो हमेशा उसको फ़ोन करते रहता है और उसके पीछे पड़ा होता है एज अ क्रीप। यस, सो ये चालू रहता है। एक जारा की एंगेजमेंट भी हो चुकी होती है रघु के साथ, उस दिन भी केशव उसको फ़ोन करके परेशान करता है। ट्विस्ट तब आता है जब जारा के बर्थडे के दिन जारा उसको केशव को मैसेज करके उसके रूम पे बुलाती है, 105 रूम पे, जो वो MIT के हॉस्टल में रहती होती है। सो केशव कुछ सोचता नहीं है, सब छोड़ छाड़ के जारा के पीछे आ जाता है। उसको वो बुलाती है तब, और वो जब जाता है उस रूम में तब उसको जारा की डेड बॉडी मिलती है। वो शॉकिंग था। सो वो डेड बॉडी मिलने के बाद वो और उसका बेस्ट फ्रेंड सौरव इस केस को कैसे सुलझाते हैं वो बुक में बताया गया है। और वो इस केस के लिए कश्मीर में भी जाते हैं, उसका भी थोड़ा टेंशन स्ट्रेस बताया गया है बुक में। इसके वजह से वो स्टोरी बहुत एंटरटेनिंग होती है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। लास्ट मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी इस बुक में, वो लास्ट लाइन, केस सॉल्व करने के बाद सौरव और केशव जारा के नाम से जेड डिटेक्टिव्स का एजेंसी खोलते हैं। और लास्ट में वो उसको बोलता है कि थैंक यू मुझे ये सब सिखाने के लिए या ऐसे, और जारा आई अनलव यू। ये लाइन मुझे उस पूरी बुक पढ़ने के बाद लास्ट में बहुत अच्छी लगी। सो आप भी ये बुक पढ़िएगा। और अगर आपको पेपरबैक में बुक पढ़नी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप अमेज़ॉन से ख़रीद लेना। और अगर फ़ोन पे पढ़नी हो तो मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से बुक डाउनलोड हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब, मैं ऐसे वीडियो लेके आती रहूँगी। सो बाय बाय एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी। बाय बाय।